दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी समय से पहले बालों का सफेद हो जाना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम बताने वाले हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निराम्या हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्री मेच्योर बाल क्यों सफेद होते हैं, यानी बाल समय से पहले क्यों सफेद होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी पेट के रोग। देखिए, आप जो भी खाते हैं या आपका हमारे शरीर में जो भी बन रहा है ना, बाल बन रहे हैं, दांत बन रहे हैं, नाखून बन रहे हैं, सब चीज जो भी बन रहा है वो जो आप खा रहे हैं उसी से बन रहा है। तो अगर आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर से आएगा। अब इस केस में अगर आपका हम आज प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, यानी आपका पाचन तंत्र सही से जो विटामिन से या मिनरल्स है खाते हैं वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं, अगर वो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, जैसे जो भी विटामिन मिनरल जो भी बॉडी को चाहिए वो अगर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली चूंकि हम बालों की बात कर रहे हैं, तो बालों को जो जो चीजें चाहिए जब वो पूरी तरह से डाइट से नहीं मिल पाता है एब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। जैसे दोस्तों अगर विटामिन B12 की कमी है, जो कि वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 नहीं होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है, और साथ ही साथ फोलेट डेफिशिएंसी अगर हो, फोलेट डेफिशिएंसी उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, इसकी वजह से फिर आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से भी प्रीमैच्योर ग्रे हेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी जो है इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है। बिल्कुल। धूप सेकना डेली 10 से 15 मिनट बहुत जरूरी है। तो क्योंकि देखिए हेयर का जो कलर है ना वो किससे आता है, वो मेलानिन पिगमेंट से आता है। तो जब आप धूप में जाते हैं, है ना, धूप में जब आप जाते हैं तब आपके शरीर में विटामिन डी बनता है और मेलानिन जो पिगमेंट है उसका फंक्शन प्रॉपरली हो पाता है। बिल्कुल। ये तो हो गया डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ये है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं कि स्ट्रेस जब आप ज्यादा लेते हैं, बचपन से बोला जाता है कि टेंशन ज्यादा मत ले बाल पक जाएंगे। तो ये एक्चुअली सच्चाई है, जब हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं तो बाल सफेद होने लगते हैं। और इसका देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये देखिए हम ऐसे ही एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहे हैं और कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे जो क्रिकेट टीम के कैप्टन, एक्स कैप्टन बोलेंगे अभी, विराट कोहली, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लग गए। तो और तो कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन वगैरह तो उनका बहुत अच्छा रहता है। तो एक फैक्टर है स्ट्रेस। बिल्कुल। हमारे जो एक्स कैप्टन रहे हैं MS धोनी, आपने ऑब्जर्व किया कि उनके भी बाल वाइट हो गए थे। तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना एज अ कैप्टन, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली ये बात एक तरह से बहुत लोग जानते हैं इस बारे में, बिकॉज धोनी हो या विराट कोहली, ये लोग पब्लिकली ये चीज बोल चुके हैं कि भाई हमारे बाल सफेद हो रहे हैं कैप्टनशिप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है प्रीमेच्योर ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए। तो अगर आपको अपने बाल सफेद या प्रीमेच्योरली ग्रे नहीं चाहिए तो आज से आप स्ट्रेस लेना कम कर दीजिए। इसके अलावा डिप्रेशन एक बहुत मेजर रीज़न है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का। साथ ही साथ अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, यानी स्पेशली अगर आपको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको है, तो कई लोगों को इसमें प्रीमेच्योर ग्रे हेयर देखा जाता है। साथ ही साथ जिनको विटिलिगो है, यानी ल्यूकोडर्मा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी, आप जरूर से देखिए उस वीडियो को और ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिनको विटिलिगो है उनको भी जिस जगह पे विटिलिगो यानी सफेद जो पैच होता है वहां के उस स्पॉट के बाल सफेद हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे मेलानिन पिगमेंट होता नहीं है, तो वो जो जगह है वो ग्रे रहते हैं हेयर्स। और इसके अलावा जो आखिरी हमारा रीजन है, दैट इज हेरिडिटरी यानी जेनेटिक। जेनेटिक में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके पापा के या आपके ग्रैंडफादर के बाल सफ़ेद है तो आपके भी हो जाएंगे। एक टाइम बाद तो सफ़ेद होंगे ही, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग की, यानी एज से पहले या यंग एज में बाल सफ़ेद हो जाना। ऐसा अगर आपके पेरेंट्स में या किसी को है हेरिडिटी में, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं।
एक बात और हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जब हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं तो एक चीज समझने की जरूरत है कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मली जो है वो कब होना चाहिए बाल जो है। देखिए 30 साल तक तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट 30 साल तक नहीं होना चाहिए। 30 साल होने के बाद एवरी 10 ईयर्स में आपका परसेंटेज जो है आप 10-20% आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं ग्रे होने के। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसके अलावा जो जैसे अगर 30 से पहले ही होने लग गए दैट इज प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, और 30 के बाद भी एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइट हो गए, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है वो प्रोसेस। एक और बहुत मेजर रीजन है प्री मैच्योर ग्रेइंग का, अगर आपका स्टीरॉयड यूज किसी भी कारण से आपका आपने स्टीरॉयड बहुत ज्यादा यूज किया है तो उसका एज अ साइड इफेक्ट बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली बहुत पेशेंट्स में देखी है ये चीज। बिल्कुल। और ये चीज किन लोगों में होती है, स्टेरॉइड्स सबसे ज्यादा जो लोग जिम जाते हैं ना वो लोग काफी मात्रा में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको है जिसमें डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड्स किसी भी कारण से प्रिस्क्राइब किए हो तो वहां पे भी बहुत लोगों को ये चीज प्रीमैच्योर ग्रे हेयर हो सकता है, देखा जाता है। जैसे कि अस्थमा या ब्रोंको डायलेटर जो होते हैं, बिल्कुल, और रूमेटिक अर्थराइटिस वगैरह। साथ ही साथ अगर विटिलिगो आपको है और आपको स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो भी एज अ साइड इफेक्ट ये चीज देखी जाती है। दोस्तों अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं, बहुत इफेक्टिव है मेडिसिन, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आप पहले जान लीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, सफ़ेद बाल काले थोड़ी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों हम भी इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि जो बाल आपके ऑलरेडी सफ़ेद हो चुके हैं यानी जो बाल आपके पक चुके हैं उनको कोई भी कुछ भी करके ब्लैक वापस काला नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप उनमें डाई कर लें वो अलग चीज़ है, वो कॉस्मेटिक रीज़न हो जाता है, बट नेचुरली वो चीज़ जो सफ़ेद बाल है जो ऑलरेडी सफ़ेद हो चुके हैं वो काले नहीं हो सकते। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके हैं वो तो हो गए लेकिन आपके और बाल सफ़ेद ना हो, यानी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए, और जो बाल आपके निकल चुके हैं सपोज कोई सफ़ेद बाल है वो जब वहाँ से गिर जाएगा तो दोबारा जो वो बाल आएगा वो ब्लैक आए, वो काला आए। बिल्कुल। तो प्रोग्रेस जो है सफ़ेद हेयर का, जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग है उसके प्रोग्रेशन को रोकना, ये हमारा मेन पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का, और ये चीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन से हम बहुत इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्रीमैच्योर हेयर्स में आते हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, REPL डॉक्टर एडवाइज नंबर 49, ये मेडिसिन का नाम है, काफी बड़ा नाम है पर आप इसको सिंपली REPL नंबर 49 भी बोल सकते हैं, इसी नाम से ये मिलती है मेडिसिन। अच्छा ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है तो इसमें कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, हम थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है थायरॉयडिनम, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम म्यूर एंड साइलेशिया, और साथ ही साथ जेबोरेंडी। बिल्कुल, ये सारी मेडिसिन इसमें दी गई है। ये मेडिसिन इंडिविजुअली भी प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर प्रीमैच्योर ग्रे हेयर है। तो ये मेडिसिन जब हम हमारे क्लिनिक में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि रातों रात आप रिजल्ट की उम्मीद करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका प्रीमैच्योर ग्रेइंग पिछले 6 महीने या 1 साल में स्टार्ट हुआ है तो ये मेडिसिन आप कम से कम 6 महीना यूज़ करके आप वापस आपके बाल ब्लैक यानी जो प्रोग्रेशन है वो चीज़ आपकी रुक सकती है। बिल्कुल। ये मेडिसिन आपको 15 बूंद दिन में 3 बार खाने से आधा घंटा पहले आधे कप गुनगुने पानी में मिला के लेनी है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है विस्बेडन 30। ये मेडिसिन एक तरह से आप समझिए कि होम्योपैथी वर्ल्ड में एज ए हेयर टॉनिक बोली जाती है। बिल्कुल। तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोकने के साथ साथ ये आपको हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल। तो आपके जो भी बाल गिर गए हैं उनकी रीग्रोथ के लिए विस्बेडन 30 बहुत ही शानदार मेडिसिन है। बालों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा, बहुत कारगर रहती है। बिल्कुल। तो इस मेडिसिन विस्बेडन 30 पावर में आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेनी है। आपको 2 बूंद आप डायरेक्टली जीभ के ऊपर भी ले सकते हैं
और आप एक चम्मच पानी में दो बूंद डाल के भी ले सकते हैं, खाने के आधा घंटा पहले आप ले। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है सफ़ेद बालों की होम्योपैथिक दवा, उसमें जबरेंडी मदर टिंचर, ये मेडिसिन लगानी है आपको, बालों में अप्लाई करनी है, तो किस तरह से अप्लाई करनी है वो आप अच्छे से। सिंपल सा तरीका है, आप 100 ml ऑयल लें, जो भी ऑयल आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और जो ऑयल नहीं लगाते वो सिंपल नारियल तेल कोकोनट ऑयल ले लें, 100 ml ऑयल लें, उसमें 25 ml मेडिसिन आप मिक्स कर दें, तो टोटल सॉल्यूशन बनेगा 125 ml का। इसको आप रेगुलर यूज़ करते रहें, जैसे जो जो भी आपका प्रोसेस है, नियम है यूज़ करने का, जनरली जो मेल्स हैं वो रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं, जो फीमेल्स हैं वो वीकली 2 या 3 बार ऑयल लगाते हैं, तो सेम उसी नियम से आप इसको लगाते रहें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्कैल्प में लगाना है, ऐसा नहीं कि बालों में आप लगा रहे हैं, आपको मेनली स्कैल्प में यानी बाल की जड़ों में ऑयल लगाना है, लगा के थोड़ी देर तक रखना है। बिल्कुल। और दोस्तों कुछ डाइटरी एडवाइस भी है जो आप साथ में ज़रूर से फॉलो करें। पहले तो हमने बता ही दिया आपको B12, आयरन, ये सब आप इंक्लूड करें, और खाने में आप आंवला ज़रूर से इंक्लूड करें, बहुत इफ़ेक्टिव है आंवला हेयर्स के हेयर हेल्थ के लिए। दूसरी बात है तिल, खास करके ब्लैक तिल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साउथ इंडियंस लोग जो हैं वो रागी को यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे रेगुलरली यूज़ होता भी है, रागी बहुत इफ़ेक्टिव है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर से यूज़ कीजिए, डेट्स को ज़रूर से यूज़ कीजिए, और हमारा एक शॉर्ट्स का वीडियो है आप ज़रूर से देखिए, उसमें हमने बताया 10 ingredients जो बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर से लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, आपका माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इस वीडियो को देखने के बाद आप हमने जो भी मेडिसिन बताई है आप ज़रूर से यूज़ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि यही मेडिसिन हैं, इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं, पर ये कॉमन मेडिसिन हैं, और अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करके मेडिसिन लेना तो भी आप ले सकते हैं, एक छोटी सी फीस देकर, जो नंबर्स हमने दे रखे हैं इन पे कॉन्टैक्ट कीजिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, तब तक के लिए थैंक यू।